पता नहीं डाटा रिकवर होगा नहीं होगा यार, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई यार। सही है भाई, घूमना चाहिए। ZX 10R, अब ये ZX 10R चलाएगा, इसे दूर रहना पड़ेगा। अब अपने आप में एक शहर बसाया हुआ है। मैं बजा क्या बजा, गाड़ी में लगा, इस गाड़ी में लगा भाई। हुआ ऐसा था, रास्ते में रुके, अभी साहा किया था क्रॉस, पीछे पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कुछ नहीं हुआ, मेरा हो गया था जी मेमोरी कार्ड क्रप, पता नहीं डाटा रिकवर होगा नहीं होगा। हर्ष को कॉल करनी पड़ेगी भी भाई रास्ते में से लेके आइए, कोई मार्केट वगैरह पड़ी या फिर उसके पास पड़ा होगा तो मेमोरी कार्ड। ये तो भगवान का शुक्र है, अभी मेरे पास दूसरा मेमोरी कार्ड था तो काम चल गया अपना। या तो फिर ऋषिकेश से नया ले लेंगे या फिर हर्ष का पेल देंगे, देखी जाएगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। बाकी जो मीटिंग पॉइंट है हमारा मेरे घर से वो 59 किलोमीटर था, एक घंटा दिखा रहा था, पहुँच जाएंगे जल्दी। आई थिंक हर्ष का कॉल आ रहा है, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। पता नहीं किसका है, इस नंबर पे तो हर्ष का आता ही नहीं कभी भी कॉल। चल भाई चल ब्रो। तो गाइस हम तो पहुंच चुके हैं जी, हमको एक घंटा लगा मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए, देख सकते हो जो लोकेशन भेजी थी हर्ष ने वहां पहुंच चुका हूं मैं, 4:46 तकरीबन एक घंटे में। अभी पता नहीं वो कहाँ रह गए, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, गर्मी में तो बहुत है, गेयर्स में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इतना मैं ना वॉइस चेक कर लूँ कैसी आ रही है। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप भी लोग भी हैरान होंगे, अभी दोनों जाने रास्ते में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हो रहा है जी हर्ष और बाकी भाइयों का वेट। अब देखते हैं जी, वैसे हम एक घंटे में आ गए थे टोटल घर से, यहाँ उन्हीं को ही टाइम लगा, मेरी वैसे हर्ष से हुई है बात अभी, वो बोल रहे हैं अभी ना जो लाड़वा पहुंच चुके हैं, कहता वहाँ पे 20-25 मिनट लगे, उनको कोई बाइक में दिक्कत आ गई थी, बाकी आगे बताएगा अभी क्या दिक्कत आ गई थी। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो मैंने ना सुना और फोन काट दिया। रास्ते में खड़े हैं आप देख ही सकते, वो भाई हमको देख रहा है, ओ देखो। हेलो जी। बाकी कहाँ जा रहे हैं भाई बता दे। हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषि बस ये मत पूछना भी क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बस जा रहे हैं ऋषिकेश। अचानक ही बन गया प्लान, कुछ नहीं पता वहाँ जाके क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई होटल की बुकिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मुंह उठाया और चल दिए। बाकी जी ये खड़ी है अपनी राम प्यारी, वो पीछे तरुण भाई की हाइनेस, इसका कोई नाम नूम नहीं रखा अभी तक, बस वैसे ही चल रही है। ये भाई मिले थे हमें, भाई नाम बता दो अपना। भाई मेरा नाम गौरव है। कहाँ से हो आप, लोकल ही हो यहाँ से? भाई कह रहा है बड़ा घूमने का बड़ा शौक है, गोवा जा रहा हूँ अगले हफ्ते। सही है भाई, घूमना चाहिए अगले हफ्ते गोवा। ये भाई ये बहुत अच्छा लगा भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, भाई को भी सब्सक्राइब कराते हैं अभी चैनल। इंतजार हुआ खत्म, ये आ गई है जी अपने टीम राइडर्स। 8 घंटे की स्ट्रगल के बाद लद्दाख से पहुंचे 3-4 बाइकर। और सर क्या हाल है? और भाई दोपहर से खड़े हो ना? बढ़िया। और क्या, और भाई हवा भी डलवानी है, सुसु भी करना है, ब्रश भी करना है। वो देखो आते ही हो गया शुरू, वो देख इसके मजे, हर बार ये पीछे बैठ जाता है। रोक लो भाई, एक रह गया, चलेंगे अभी किसी को और वेट करना है, एक दो घंटे और वेट करवा देते हैं हमें। चलो निकलते हैं यार। सो फाइनली गाइस, 1.5 घंटा इस लड़के ने वेट करवाया, हम 1.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं। और क्या हाल चाल है? चलो अरे देखियो माइक सही है, ऐसे ही था ना बनना। ओ देखो वो दोनों पागल हो गए, जब 8 सिलेंडर शोर मचाते हैं तो ऐसे ही होता है भाई। चलो चले। अभी आकाश भाई मारेंगे व्हीली और उसकी बनाएंगे वीडियो। पावरफुल
ये आ गया जी दूसरा टोल, ये यूपी के अंदर है। अगर हम वहां से पीछे लेफ्ट चले जाते तो सहारनपुर में एंटर कर जाते हैं। लक्सस ऐसा शोर मचाता है। सो गाइस यहाँ आधा पौना घंटा मस्ती मार के अब फिर दोबारा निकलते चले, अब फिर दोबारा निकल चल रहे हैं मंजिल की तरफ। अब थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, अंधेरा हो गया, टाइम हो गया 6:34, दिन छोटे होने स्टार्ट हो गए। ओहो मुंह में मच्छर चला गया, वाइजर ओपन है ना। टाइम हो चुका है 7:15, आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, यानी कि 75-80 किलोमीटर हम आ चुके हैं घर से। अभी यहाँ पे लिया है जी एक ब्रेक, ब्रेक इन द सेंस भी यहाँ रुके हैं। ढाबे का नाम है मन्ना ढाबा, ये खड़ी है जी अपनी सारी बाइक्स, वहाँ बैठे हैं जी अपने भाई लोग। यहाँ पे हल्का फुल्का खा के फिर वहाँ पे जाके देखेंगे होटल वगैरह भी कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ चल रही है जी चाय पे चर्चा। ये देखो ये अपने ऋषि भाई, 300 यहाँ चल रही है जी चाय पे चर्चा। किस बात पे चर्चा चल रही है यहाँ? चाय पराठा 299 पे चर्चा चल रही है। एक ये थोड़ा ना एक्सप्लेन करो 299 क्या है भाई? 299 हाँ के साथ। अच्छा एमपीएच किलोमीटर पे हवा भाई, इसकी बातों पे ज्यादा यकीन मत करना, इसकी बातों पे इसके घर वाले नहीं यकीन करते, हम तो क्या ही करेंगे। है भाई बता, तेरी बातों पे तेरे घर वाले यकीन करते हैं? तुमसे भी ज्यादा झूठ बोल रहा है भाई ये। सो गाइस यहाँ से जाने का हो गया टाइम, ये देखो इसने पकड़ लिया ZX10R, अब ये ZX10R चलाएगा, इसे दूर रहना पड़ेगा अब। चलो जी अपनी राम प्यारी को करते हैं तैयार, वार्म अप। जी अब नॉन स्टॉप ऋषिकेश, कमरे का माउंट आजोन साहब ये भी जाके ऋषिकेश ही सेट करेंगे, कमरे का माउंट आजोन साहब ये भी जाके ऋषिकेश ही सेट करेंगे। मेरा तो मन कर रहा है गाने लगाने का, बट यार नहीं, राइड एंजॉय करते हैं, गाने तो घर पे भी सुन सकते हैं। बाकी मैं अभी वॉइस चेक कर रही थी ढाबे पे जहाँ पे खाना खाया था, अभी ब्रेक लिया था, सही आ रही है अब तो, थोड़ी बहुत है वो तो एडिटिंग के टाइम सही हो जाएगी। और देख कितनी पास है भाई, यशी भाई भी फुल मूड में आज। पत्थर उछालती है भाई बहुत ज्यादा, पीछे रखनी पड़ेगी। ऊपर जो जा रहे हैं जी देहरादून जा रहे हैं हाईवे, यहाँ से हमने लेना है राइट, रुड़की वाले हाईवे पे पहुंच जाएंगे हम। अब हमें पकड़ना है जी रुड़की वाला हाईवे, फिर आगे जाके रुड़की से पहले पता नहीं रुड़की जाके एक नीचे उतरेंगे हम, फिर ये फिर रुक गए। सो गाइस मतलब ना हमने अंदर वाला रास्ता नहीं लिया जो शॉर्टकट था सिंगल रोड, हम हाईवे से ही जा रहे हैं क्योंकि यार कहते हैं बाइक्स बड़ी हैं तो फायदा नहीं है वहां जाने का, खड्डे खुड्डे पता नहीं चलते कोई, अंधेरे में ना एक सुनसान रोड होती है वो ज्यादा, तो इस वजह से हाईवे वाला रास्ता लिया है। कहाँ रह गए वो, आ क्यों नहीं रहे? नहीं यार हर्ष और तो अपने साथ ही थे, एक घंटा लगेगा यहाँ से, 55 किलोमीटर दिखा रहा है।
श्री पतंजलि योगपीठ, हॉस्पिटल भी है, प्रयोगशाला भी है, सारा कुछ यही है, यूनिवर्सिटी वगैरह सारा कुछ है ना अंदर। ये अपने आप में एक शहर बसाया हुआ है। ये रुका है जी अपना तरुण भाई, पीछे उनका भी वेट कर लेते हैं और थोड़ी टांग सीधी कर लेते हैं। अरे यार रोंदे पे हौली हौली, उन्होंने दिन ना बाइक बड़ी बंप कर दिया। सॉरी सारे भाई हो गए हैं इकट्ठे दोबारा से, मैं हूँ सबसे पीछे। सबसे आगे जी अपना दूसरे वाला रोहित जो करनाल वाला है, वो तो पता ही नहीं कहाँ घूम रहा है आगे सबसे। हाय हाय मजा आ गया यार, एक तो ना माइक हिल रहा है बार बार, जो डबल टेप लगाई हुई है ना मैंने माइक में वो हिल रही है। हरिद्वार सीधा, अरे भाई अगर मुड़ना है तो इंडिकेटर दे, नहीं मुड़ना है तो भाई सीधा जान दे। पता नहीं कैसे चलाते हैं यार लोग। अब क्या हो गया, ये कौन है भाई अपना? अच्छा ये और है कोई। वेलकम टू हरिद्वार कुंड सिटी। इस मार्ग पर 1 किलोमीटर आगे से मोबाइल कनेक्टिविटी सिग्नल उपलब्ध नहीं है। अरे वाह, कनेक्टिविटी से कट जाएंगे हम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं जी 9:15, यानी कि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तकरीबन 12 बज गए थे हमें ना घूमते घुमाते यहाँ पे लोकेशन में पहुँचने के लिए। बाकी कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, जैसे कि बताया मैंने पीछे भी व्लॉग में, रात को ये डिसाइड किया। ये तो शुक्र अभी मोहित भाई के जानकार थे ये वाले रिजॉर्ट वाले, रिजॉर्ट बोल रहो, कैंप साइट बोल रहो, कुछ भी बोल रहो। लो एक तो ना ये लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसे ही चल रहा है रात का। तो ना रात को आए, पूल वगैरह में स्नान किया। हाँ स्नान उसी में करना था रात को यार, गंगा माता में मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो वहाँ तो मुश्किल ही है स्नान करना। रात को फिर आके पूल वगैरह में नहाए, मस्ती मुस्ती की, थकावट थोड़ी उतारी, खाना खूना खा के बातें बूते करके बैठ के रात को 2-3 बजे सो गए हम आके। फिर तो अब तो अभी उठाऊँ, अभी याद आया कि व्लॉग एंड करने भूल गया, सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। बाकी आज ऋषिकेश घूमेंगे, देखते हैं क्या क्या घूमते हैं, उनका तो अभी कुछ नहीं पता, आकाश भाई औरों का वो तो सो रहे हैं अभी भी। सो इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जो आने वाले वीडियोज़ और व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत जल्द मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।